नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 12 में। फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं RRB NTPC एग्ज़ाम 2019 फ्रेंड, जिसका मॉडल पेपर है 61। ठीक है, इससे पहले क्या है 60 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं फ्रेंड, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है फ्रेंड। ठीक है, ओके, वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चन वही है जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हमने शामिल किए जो कि IAS लेवल के हैं। सो फ्रेंड वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को हम और अच्छी प्रोवाइड कराएं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पेटीएम नंबर दिया हुआ है, जिसमें आप 5 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में डोनेट कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आप भी साथ में सॉल्व करते चलिए। सो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल से। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की? ओके फ्रेंड, ये आपको बताना है फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफ़र करके दौलताबाद कर दी थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बने रहिए आप हमारे लास्ट तक क्वेश्चन तक का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब की थी? फ्रेंड आपको बताना है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब की थी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1665 में। ठीक है, 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, फर्स्ट है, मीराबाई गुरु नानक की समसामयिक थी। नंबर दो, रामदास शिवाजी के समसामयिक थे। कौन सा कथन सही है फ्रेंड, ये बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, ये दोनों कथन क्या है, दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मोहतसिब सेनापति, ये युग्म सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस वैक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष है? फ्रेंड किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष है? काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक है, काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कौन से शहरों में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? भारत के कौन से शहरों में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है? फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निचालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? फ्रेंड वो मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निचालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी उसे लाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसे लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग किससे संबंधित है? फ्रेंड ये बताना है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग किससे संबंधित है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 121वां संविधान संशोधन से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग संबंधित है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? फ्रेंड ये बताना है, निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्राकलन समिति में। ठीक है, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक सा भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है? सो फ्रेंड ये बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सा भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये क्या है भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? फ्रेंड ये बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो विस्फोटक पदार्थ नहीं है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ट्राई नाइट्रो टाइलुइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटेनिक वर्सेज किसने लिखी थी? फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेटेनिक वर्सेज किसने लिखी थी? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सलमान रुश्दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत कौन से देश टेस्ट मैच खेलते हैं? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत कौन से देश टेस्ट मैच खेलते हैं? फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और भारत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाना पीना भूल जाए बट ये क्वेश्चन मत भूलना, नोट कर लेना फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों को विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सैलामैंडर अजगर एवं कंगारू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वो घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वो घटना क्या कहलाती है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रभाविता, इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सेमी कंडक्टर से। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसएलआई के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है? फ्रेंड डीएसएलआई के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लाल फास्फोरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? ध्यान दीजिए फ्रेंड, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अगस्त से। ठीक है, काफी यूजफुल क्वेश्चन है, आप नोट करते चलिएगा फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अभिप्राय है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। ओके नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया? फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कनगन हल्ली। ओके नोट करते चलिए फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहां है? फ्रेंड भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जिसे हम डिगबोई के नाम से जानते हैं, जो कि असम में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरवा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने किस फैसले की पुष्टि की? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मिनरवा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने किस फैसले की पुष्टि की? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी केशवानंद भारती मुकदमा में। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है? फ्रेंड भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है? सो फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पांचवी अनुसूची में, फिफ्थ शेड्यूल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है?
फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा? फ्रेंड प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी शूद्रक ने। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किससे मुस्तफी ए मुमालिक संबंध है? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किससे मुस्तफी ए मुमालिक संबंधित है? सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, लेखा परीक्षण से मुस्तफी ए मुमालिक संबंध है आपके, लेखा परीक्षण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी कहाँ पैदा हुए थे? सो फ्रेंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए फौरन फटाफट, शिवाजी कहाँ पैदा हुए थे, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? फ्रेंड ये बताना है, भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा संबंधित है? फ्रेंड बताना है आम्र वर्षा संबंधित है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बिहार बंगाल में अप्रैल में होने वाली वर्षा से। ओके चलिए अगला प्रश्न है, आरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? फ्रेंड आरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है यह बताना आपको। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? फ्रेंड ये बताना अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चीका मिट्टी, ठीक है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है। चलिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा टाइम देंगे फ्रेंड। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, गरीब को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना एवं काला बाजारी रोकना, अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक लक्ष्य है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसको अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? फ्रेंड ने बताना है किसको अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पाल वर्ग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी कर सकते हैं। फ्रेंड ये बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक करना एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक।